दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो काफ़ी लोग जानते नहीं हैं कि एकादशी के व्रत में कौन कौन से तेल, कौन कौन से मसालों का प्रयोग किया जाता है जब हम व्रत का खाना बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से मसालों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तेल और मसालों की बात करें तो जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया, काला नमक और अमचूर पाउडर कुछ लोग व्रत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तमाम मसालों से खाने का स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। देसी घी, घर का बना हुआ मक्खन, फिर मूंगफली का तेल इस्तेमाल करने की भी इजाज़त है। लेकिन जो काला नमक की बजाय काला नमक का सेवन किया, किसी भी नमक का इस व्रत में सेवन नहीं किया जाता है। वो खास तौर पर इन सब चीज़ों का सेवन तो किया जाता है जैसे कि वीडियो में मैंने आपने बताया था, लेकिन जहाँ तक हो सके नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें इस व्रत में। और जो घी का प्रयोग आप कर सकते हैं, मूंगफली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और सब्जियों की बात अगर हम करते हैं तो ये तो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मसाले सूखे आलू, दही वाले आलू, जीरे वाले आलू और आलू की चाट इत्यादि सब बना सकते हैं। सीताफल खा सकते हैं, इसमें शकरकंदी, अरबी, अरबी में जैसे सूखी अरबी, दही, अरबी टिक्की, कटलेट और जिमीकंद भी आप खा सकते हैं। इसकी चिप्स बनाकर खा सकते हैं और कच्चा केला खा सकते हैं। अब कुछ लोग जानते नहीं हैं कि टमाटर खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, तो आप टमाटर बिल्कुल भी नहीं खा सकते एकादशी के व्रत में। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।